थाना कोसीकला इलाके के गांव मुखरारी में अपने ड्राइवर के साथ दवा लेने जा रही किन्नर के ऊपर कुछ लोगों ने हमला बोल दिया और मारपीट करते हुए उसके गले से 1.25 लाख रुपए की चेन और झुमकियों को तोड़कर बदमाश फरार हो गए। मामले में किन्नर ने थाने पहुंचकर नामजद तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। जानकारी के अनुसार कोसीकला की रहने वाली माया किन्नर अपने ड्राइवर के साथ दवा लेने के लिए गाँव पुखरारी गयी थी, तभी गोपालबाग की रहने वाली अनीता किन्नर अपने साथ गाड़ी में बदमाशों को भरकर वहां पहुंच गई और गाड़ी में टक्कर मारकर उसे रोक लिया। गाड़ी के रुकते ही सभी लोग एक साथ उतरे और उसके ड्राइवर को गाड़ी से खींचकर मारपीट शुरू कर दी और गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। वहीं पर्स में रखे करीब 1.25 लाख रुपए और उसके गले से चेन और कान से झुमकियों को तोड़ लिया। पीड़िता ने बताया कि ये लोग हर 6 महीने में उसके साथ कोई न कोई वारदात करते रहते हैं और कोसीकला में दिखाई देने पर जान से मारने की धमकी देते हैं। इस संबंध में वो कई बार कोसीकला थाने में शिकायत कर चुकी है, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। उसे इन्हीं लोगों से अपनी जान माल का खतरा भी है। हाँ बताएं क्या हुआ। मैं माया भाई किन्नर कोसीकला से क्षेत्र की मालिक हूँ। इन गोपाल बाग वाले ने 3 साल हो गए मेरे गुरु मरे, इनने मेरा जीना हराम कर रखा है। यानी कभी तो ये गोली का केस लगाते हैं, कभी ये क्षेत्र का केस लगाते हैं, ड्राइवर पर झूठे सच्चे केस लगाते हैं। और मुझे आज मारने की धमकी दी है, कोसीकला में नंगा पर गई तो तुझे गोली से खत्म कर देंगे। ये होला संजू मंजेश और भी यह पूरे परिवार के मतलब गोपाल बाग पर रहते हैं। आज मैं खरौट वहाँ दवाई लेने गई थी, वो खुरारी गाँव में बीपी मेरे बीपी बढ़ जाता, मैं वहाँ पे बताई मुझे दवाई लेने। वहाँ रास्ते में इन लोगों ने मैं घेर ले खरौट के अंदर, खरौट में पता कर लो खुद शौक से कर लो कि लड़ाई झगड़ा हुआ कि नहीं हुआ। खूब हाथापाई पड़ी है, मेरे बार बार खींचे, मेरे झुमकी फुमकी खेले, मेरे चैन पेन सब तोड़ ली। इन लोगों ने बहुत ही दुखी कर रहा है, मेरी गाड़ी घोड़ा तोड़ दी है। मेरा ड्राइवर है कहाँ, वो गाड़ी वाला बेचारे गाड़ी पे ले गई थी, ड्राइवर मेरा। अच्छा कितने लोग थे वो? है कम से कम 8-10 जने थे और मैं तो इकली थी और मेरे ड्राइवर था। थाने में रिपोर्ट करा दी, थाने में एप्लीकेशन दे रही हूँ, कार्रवाई थाने वाले करेंगे, नहीं तो ऊपर जाऊंगी मैं।